नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। दोस्तों, पारस छाबड़ा माहिरा शर्मा को भूल नहीं पा रहे हैं। पारस छाबड़ा ने अपने ही शो में दे डाला एक हैरान करने वाला बयान। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं क्या है पूरी कहानी और क्या है पूरा मामला। बिग बॉस 13 में दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए लड़ाई झगड़े और ड्रामों के बीच रोमांस का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिला था। इसी शो पर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी बनी थी और यहीं पर पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा का भी कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप शुरू हुआ था। कॉम्प्लिकेट इसलिए क्योंकि बेहद करीब आने के बाद भी दोनों एक दूसरे को सिर्फ दोस्त कह रहे थे। बहरहाल बिग बॉस खत्म होने के बाद अब पारस नए शो में है, मुझसे शादी करोगे में नजर आए, लेकिन मालूम होता है कि वे अब तक माहिरा शर्मा को नहीं भूल पाए। हाल ही में पारस छाबड़ा के शो मुझसे शादी करोगे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे शो की सदस्य अंकिता से अकेले में बात करते हुए नजर आए। अंकिता पारस से पूछती है, आप फ्लर्ट क्यों नहीं करते? इस पर पारस कहते हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। फिर अंकिता पूछती है, ईमानदारी से बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है, जिसे देखकर आपको लगता है कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। ये सुनते ही पारस बोल पड़ते हैं, सच बताऊं तो मुझे माहिरा जैसी लड़की चाहिए। माहिरा का नाम सुनकर अंकिता कहती है, आप इमोशनल हो गए हैं, आपको याद आ रही है उसकी। फिर पारस कहते हैं, इस जगह पर मैं उनके साथ ही रहा हूँ। आप किसी को अपना समझने लगते हो और सामने वाला भी आपको अपना समझने लगता है। प्रायोरिटी होनी चाहिए बस एक रिलेशनशिप। यहाँ पर अंकिता कह देती है, आप बोलते हैं कि माहिरा आपकी दोस्त है, लेकिन शायद आप उसे प्यार करते हैं। ये बात सुनकर पारस छाबड़ा फिर से बात घुमा देते हैं और माहिरा को सिर्फ दोस्ती बताते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना, पारस छाबड़ा अब भी माहिरा को सिर्फ दोस्ती मानते हैं। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता था जो आपने बिग बॉस में देखा? अपनी राय दे हमें कमेंट करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, हम आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।